जो भी निर्णय आया है, परिवार से निवेदन है कि यहाँ पर आकर उसको सार्वजनिक करें। नमस्कार, मेरा नाम है लव सिंह, आप देख रहे हैं इंडियन हॉर्सेस और आज की इस वीडियो में हम आपको भुड़कुड़ा की फाइनल रेस दिखाने जा रहे हैं। आपको बता दूं कि 14 जनवरी को प्रत्येक वर्षों से ये रेस आयोजित होती आ रही है और इस वर्ष यहां पर प्रथम स्थान रहा मिस्टर मधु सिंह चौसा बिहार के घोड़े का और इस घोड़े पे घुड़सवारी कर रहे थे सवार हीरा यादव। दूसरे स्थान पर घोड़ा रहा रविंदर यादव मऊ का और इस घोड़े पे घुड़सवारी कर रहे थे सवार अजीत यादव। तीसरा स्थान जो कमेटी के द्वारा दिया गया वो मकसूद खान के घोड़े को दिया गया, पर तीसरे स्थान पर देखने में हम आपको दिखाएंगे कि कौन सा घोड़ा तीसरे स्थान पर पहुंचा था। शायद कमेटी यहां पर चूक गई पुरस्कार का नामांकन करते वक्त। अभी आप देख रहे हैं हर्ष और उल्लास के साथ शुरुआत में भी आप देखे घुड़सवार हीरा यादव को और यही वो क्षण है जो हर एक घुड़सवार चाहता है कि कब उसके सर पे भी ये सेहरा बंधे। और मिस्टर अजय सिंह साथ बक्सर बिहार से पुरस्कार की राशि विजेता को प्रदान करते हुए ये भी इस रेस को देखने के लिए बक्सर से चलकर भुड़कुड़ा पहुंचे थे और प्रथम आने वाले घोड़े को पुरस्कृत किए। हम आपको बता दें कि यहाँ पे प्रथम आने वाले घोड़े को LCD पुरस्कार के तौर पर रखी गई थी जो सवार हीरा यादव को अभी देख रहे हैं ग्रहण कर रहे हैं। दूसरे स्थान पर कूलर था और तीसरे स्थान पर फैन का पुरस्कार कमेटी के द्वारा रखा गया था। हम आपको बता दें कि भुड़कुड़ा की रेस काफी अच्छे तरीके से प्रत्येक वर्ष संपन्न कराई जाती थी और इस वर्ष भी कुछ उसी तरह का प्रयत्न दिखा, लेकिन लास्ट के राउंड में जो भी लोग थे उनके भगदड़ करने के दौरान थोड़ी सी अफरा तफरी जरूर मच गई। अभी तीसरा का स्थान मकसूद खान के घोड़े को देख रहे हैं जो ग्रहण कर रहा है। आपको बता दूं कि अब प्रथम चक्र शुरू होने वाला है। अब आप देख रहे हैं कि घोड़े छूट चुके हैं और घोड़ों के छूटते ही सभी घुड़सवार अपने घोड़ों को आगे की तरफ लेकर बढ़ने लगे। सवार शैलेश यादव और आप देख रहे हैं बच्चू परुआ मऊ का घोड़ा और अजीत यादव सबसे आगे की तरफ अभी भी चल रहे हैं। चौथे स्थान पर सुधीर सिंह गहमर का घोड़ा अभी चल रहा है। इस रेस की भी कई सारी बातें हैं, हम आपको बातों का चक्र धीरे धीरे सेमीफाइनल के राउंडों में भी बताएंगे। प्रथम चक्र चल रहा है, सबसे आगे बक्सी परुआ मऊ का घोड़ा और सवार अजीत यादव चल रहे हैं। तीसरे स्थान पर बढ़त बनाते हुए सवार हीरा यादव दिख रहे हैं। आपको बता दूं कि चार राउंडों से कुल मिलाकर 8 घोड़े इस रेस में प्रतिभागी बने और प्रथम चक्र के खत्म होते ही सवार हीरा यादव धीरे धीरे बढ़त बनाने के लिए अग्रसर हो गए और दूसरे चक्र में प्रवेश करते ही हुए ही वो बढ़त बना लिए और सबसे आगे चलने लगे। बक्सी परुआ मऊ का घोड़ा दूसरे स्थान पर और अजीत यादव तीसरे स्थान पर रहे, पर चंद मिनटों में ही फासला बदला और सवार अजीत यादव अब आगे की तरफ चलने लगे दूसरे स्थान पर। चौथे स्थान पर उधर से शैलेश यादव बढ़त बनाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और आप देख रहे हैं सवार शैलेश यादव आजमगढ़ के घोड़े पे घुड़सवारी कर रहे थे और अब वो तीसरे स्थान पर लड़ाई लड़ रहे हैं। उधर से मकसूद खान का भी घोड़ा आगे की तरफ बढ़ता हुआ चल रहा है जो पांचवें स्थान पर है। अब आप देख रहे हैं राउंड तीसरा स्टार्ट हो गया है और सवार हीरा यादव अभी सबसे आगे चल रहे हैं। दूसरे स्थान पर रविंदर यादव का घोड़ा जिस घोड़े पे घुड़सवारी कर रहे हैं सवार अजीत यादव, दूसरे स्थान पर वो घोड़ा चल रहा है। तीसरे स्थान पर अभी भी आप देख रहे हैं कि सवार शैलेश यादव चल रहे हैं, सवार हीरा यादव अच्छी खासी लीड के साथ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पर एक अच्छी खासी भीड़ आपको फील्ड के चारों तरफ देखने के लिए मिलेगी जो प्रत्येक वर्ष लगती है और काफी ज्यादा संख्या में दर्शक यहाँ पर घुड़दौड़ प्रतियोगिता को देखने के लिए आते हैं, आनंद भी लेते हैं। थोड़े से लास्ट चक्रों के खेल में अफरा तफरी ज्यादा मच गई। को बता दें कि अब आप देख रहे हैं चौथे चक्र का खेल शुरू हो चुका है। फाइनल का चक्र 5 चक्रों का रखा गया। हम आपको बता दें कि तीसरे स्थान पे जो घोड़ा पहुंचा इस रेस में वो था घुड़सवार शैलेश यादव का, वही तीसरे स्थान पर पहुंचे। अगर उस लास्ट चक्र की आपको वीडियो देखनी है तो ब्लॉग्स लव सिंह चैनल पर जाकर और वो पूरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको स्पष्ट तरीके से ये दिखाई देगा कि उस तीसरे स्थान पर घोड़ा पहुंचा कौन सा है। अभी आप देख रहे हैं सवार हीरा यादव की चाल यहाँ थोड़ी बिगड़ी जरूर, लेकिन फिर संभलते हुए उन्होंने आगे की तरफ बढ़ना शुरू किया और सवार हीरा यादव का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा इस रेस में। अभी भी आप देख रहे हैं तीसरे स्थान पे सवार शैलेश यादव हैं और चौथे स्थान पे मकसूद खान का घोड़ा चल रहा है।
लेकिन शायद कमेटी किस तरह से अनदेखी की या क्या की जिससे तीसरे स्थान पे मकसूद खान के घोड़े को स्थान मिला। लेकिन फिर भी अभी आप देख रहे हैं लास्ट चक्र का खेल चल रहा है और सवार हीरा यादव अब अग्रसर है कि कब अपने खेल को समाप्त करें और प्रथम का पुरस्कार ग्रहण करने के लिए बेसब्री से उत्सुक है। और यहीं पे ये खेल समाप्त हुआ और सवार हीरा यादव यहाँ पे प्रथम विजेता बन के भुड़कुरा के विजेता बने सवार हीरा यादव। अभी आप देख रहे हैं अजीत यादव का घोड़ा क्रॉस किया और अब आ गए हैं सवार शैलेश और उसके बाद मकसूद खान का घोड़ा। यही थी ये भुड़कुरा की रेस। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक और अपने लोगों में शेयर जरूर करें और तीसरे स्थान की जो पूरी क्लियरिटी आप देखना चाहते हैं तो ब्लॉक्स लव सिंह चैनल पर पहुंचे और वहां पे इस वीडियो में देखें कि कौन सा घोड़ा तीसरे स्थान पर पहुंचा है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।